कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, लेकिन उस मोहब्बत की दुकान से लगातार जहरीले पकवान परोसे जा रहे हैं। पहले विरासत टैक्स और अब नस्ल भेदी टिप्पणी करके इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा फिर विवादों में घिर गए हैं। धार्मिक आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पहले से ही बीजेपी के निशाने पर है। ऐसे में कांग्रेस के अंकल सैम ने नस्लीय टिप्पणी करके सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच पित्रोदा ने भारत को रंग के आधार पर बांटा तो बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। साउथ का द्वार कहे जाने वाले तेलंगाना में मौजूद पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा समेत कांग्रेस की मंशा पर करारा प्रहार किया। चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी क्या? चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा। जिस देश को उसके विविधतापूर्ण संस्कृति की वजह से जाना जाता हो, उस देश के लोगों को रंग के आधार पर बांटकर एक बार फिर कांग्रेस के नेता ने साबित कर दिया है कि उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो सैम पित्रोदा जी का बयान है, ये भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना मींस इग्नोरेंस एंड कंटेम्प्ट दोनों को बताता है कि बाबरी ढांचे को बचाने के लिए आप अदालत तक खड़े थे, आप राम मंदिर को बदनाम करने के लिए आप सात समुंदर पार से खड़े हुए हैं। भारत की विविधता और लोकतंत्र, राम मंदिर, राम नवमी और प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने से चैलेंज हो रही। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि विदेशी मानसिकता के इन सलाहकारों से ओतप्रोत लोग उस विचार को समझ ही नहीं सकते। पित्रोदा के बयान पर जहां बीजेपी सियासी माइलेज लेने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस के लिए ऐसी टिप्पणी को डिफेंड करना भारी पड़ रहा है। विरासत टैक्स वाले बयान से तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने वाली है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के बयान बहादुर इस चुनाव में उसे कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी से एक बड़ा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शहजादे ने अडानी और अंबानी को गाली देना बंद कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। अडानी, 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 अडानी। इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। क्या कांग्रेस ने अडानी अंबानी से की सीक्रेट डील? इसलिए हुई शहजादे की जुबान सी? उद्योगपतियों के विरोध की माला जपने वाले राहुल की जुबान पर क्यों लग गया ताला? अडानी अंबानी के नाम पर आखिर क्यों हुई राहुल की बोलती बंद? मंच चाहे चुनावी हो या फिर हो लोकतंत्र का भवन, हर जगह अपने हर भाषण में राहुल गांधी देश के उद्योगपतियों के नाम लिए बगैर नहीं रह पाते थे। नहीं रह पाते थे बीजेपी पर अडानी अंबानी के साथ साथ गांठ का आरोप लगाए बिना। लेकिन जब से देश में चुनावी माहौल की खुमारी है, तब से राहुल की जुबान भी अडानी अंबानी का नाम लेकर केंद्र को नहीं घेर रही है, बल्कि राहुल की जुबान भी सिल गई है, मानो ताला लग गया हो। तीसरा चरण भी खत्म हो गया है, लेकिन मजाल है कि एक भी शब्द निकला हो। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे,
पांच उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। अडानी अंबानी पर राहुल गांधी अचानक चुप क्यों हुए? क्यों अपनी किसी भी चुनावी भाषण में उद्योगपतियों पर आरोप नहीं लगा रहे? इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीम नगर में एक चुनावी रैली के दौरान दिया। देश को बता दिया कि राहुल की चुप्पी का वास्ता क्या है। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा दे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। वहीं से पहले राहुल का कहना क्या होता था? चुनावी मंच और संसद में वो अडानी और अंबानी पर क्या बयान देते थे, वो भी सुनिए। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। क्या सच में दाल में कुछ काला है? राहुल गांधी की पार्टी ने चुनाव के लिए अडानी अंबानी की कंपनी से पैसे लिए हैं और इसलिए अचानक से उनकी जुबान पर ताले लग गए। क्या ये भी सच है कि देश के उद्योगपतियों को गाली देने वाले राहुल गांधी के अचानक से सुर बदलने के पीछे ट्रक भर कर मिले पैसे हैं? अब इस सवाल पर जवाब न केवल राहुल गांधी बल्कि समूचे कांग्रेस को देना है, जिस पर वक्त बेवक्त भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। और तो और, कांग्रेस नेताओं की अड्डों से कैश लोग भी मिलते रहे हैं, चाहे वो मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव रहे संजीव लाल, इंजीनियर विकास कुमार और ठेकेदार मुन्ना सिंह ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हरियाणा की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी यह मिल रही है कि जेजेपी एमएलए टूट सकते हैं। कई एमएलए ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, बीजेपी से उनकी बातचीत चल रही है। जेजेपी के विधायक टूट सकते हैं। एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार खतरे में है, सरकार गिर सकती है। वहीं दूसरी ओर स्पीकर ने यह साफ कर दिया है कि अभी 6 महीने नहीं हुए हैं अविश्वास प्रस्ताव लाए हुए, ऐसे में सरकार को कोई संकट नहीं है। वहीं अब यह जानकारी मिल रही है कि जेजेपी एमएलए टूट सकते हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं, एमएलए टूट सकते हैं, बड़ा झटका लग सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सियासी हालात पर बोले हैं दुष्यंत चौटाला, सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, नायब सैनी को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुष्यंत चौटाला, जो इस समय सियासी हालात है हरियाणा को लेकर, उसको लेकर बोला है उन्होंने कि सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ये तो मान गए कि आज वो कमजोर हो चुके, और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं। अगर करंट रेजिम को मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी विप भी जारी करेगी और करंट गवर्नमेंट के विरोध में विप को जारी। मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है आज के दिन, ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की, मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम। बीजेपी
समर्थन वापस लेने पर बोले निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, मेरे लोग चाहते थे कि बीजेपी से अलग हो जाऊं, कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूं, कांग्रेस का समर्थन करूंगा। मतलब उनका कहना है कि मैं कांग्रेस की के साथ नहीं जा रहा हूं, पार्टी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर सरकार बनती है तो समर्थन जरूर करूंगा। रणधीर जी, हरियाणा वोट डालने वाला है 25 मई को जी। इस टाइम पे आपने हरियाणा सरकार से सपोर्ट क्यों वापस ले लिया? देखिए, मैंने जो अपना सपोर्ट वापस लिया है, मैंने अपने पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 30-35 वर्षों से मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ लगे हुए हैं, लगभग 10 दिन उनके साथ लगातार बैठक करने के बाद मैंने अपने पुंडरी हल्के की छत्ती बिरादरी की ईश्वर प्रिय जनता के कहने के बाद ये सपोर्ट वापस लिया। किस कारणवश आपने सपोर्ट वापस लिया? जनता ने ऐसा तो क्या बोला कि आपको बीजेपी छोड़नी पड़ी? देखिए, बीजेपी तो मेरे को 4.5 साल पहले निष्कासित कर दिया था, बीजेपी नहीं छोड़नी पड़ी। मैं 1993 से बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ।